जय जोहार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरे चरण का 7 तारीख को मतदान होगा, जिसमें अभी अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने खबर देखी है कि गुजरात के दाहोद सीट पर प्रभाबेन ताबियाड़ कांग्रेस के उम्मीदवार है। इनके प्रचार प्रसार के लिए कल की सभा में राजकुमार जी रोहत उपस्थित हो रहे हैं, इस तरह की न्यूज चल रही है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का इस सीट पर प्रचार प्रसार के लिए या किसी माध्यम से गठबंधन की कोई बात नहीं हुई है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। मात्र राजकुमार जी रतलाम झाबुआ अलीराजपुर के दौरे पर रहेंगे, इनके प्रचार प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं, ये जानबूझकर खबर फैलाई जा रही है। गुजरात में भरूच और साबरकांठा बनासकांठा दो सीटों पर लोकसभा हमारे प्रत्याशी उतारे गए हैं। दाहोद में भी हमारा प्रत्याशी उतारा था, लेकिन मैंडेट सबमिट नहीं कर पाने के कारण वो निर्दलीय हो गए हैं। वो भी हमारे भारत आदिवासी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार रहेंगे। सभी कार्यकर्ताओं और साथियों से अपील है कि किसी प्रकार के भ्रम में नहीं आवे और अफवाहों से सावधान रहते हुए भरूच बनासकांठा और दाहोद सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी है उनको जिताए। धन्यवाद। जोहार।